विदिशा जिले में कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने संविधान बचाने के लिए धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता द्वारा कांग्रेस को जनादेश दिया गया था, लेकिन चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से भाजपा लगातार षड्यंत्र कर रही है, जिससे संविधान खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस नेता ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में दिया जाने वाला धरने में प्रकाश मिश्रा ने बताया कि भाजपा में कांग्रेस के 6 मंत्रियों सहित 22 विधायकों को बंदी बना रखा है। उनसे दबाव में त्याग पत्र दिलवाए जा रहे हैं। जब विधायकों से मिलने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुँचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसके कारण आज पूरी कांग्रेस पार्टी भाजपा की सद्बुद्धि के लिए गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं। धरना में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। भारत में जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है, उसके द्वारा लोकतंत्र की हत्या का जो षड्यंत्र मध्य प्रदेश के अंदर रचा गया है, हमारे 22 कर्मठ विधायकों का अपहरण कर उनको बंदी बनाया गया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, उनको जबरिया गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में हम सभी कांग्रेस जन आज भारतीय जनता पार्टी की सद्बुद्धि के लिए और हमसे जो पिछड़े साथी हैं, जो चले गए हैं, उनकी वापसी के लिए और लोक मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए हम सभी कांग्रेस जन यहाँ गांधी जी की शरण में धरने पर बैठे हैं। आशा करते हैं कि भारत की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपनी हठधर्मिता छोड़ेगी। हमारी पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बेंगलोर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस के विधायकों को जाकर बंधक बनाकर रखा है। उनसे मिलने के लिए वो बेंगलोर पहुंचे थे। कर्नाटक सरकार ने उनके साथ कई मंत्री और कई विधायक भी थे, कर्नाटक सरकार ने सभी को बंधक बना लिया है, उन लोगों को भी उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी गांधीवादी तरीके से यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा है कि चूँकि उनकी रिहाई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने 16 विधायक कांग्रेस के जो बंधक बना रखे हैं उनकी रिहाई के लिए ये धरना यहाँ पर किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।